झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे झारखंड की तमाम अहम खबर। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। रांची के खेल गांव में झारखंड खादी बोर्ड ने कारीगर पंचायत का आयोजन किया, जिसमें राज्य भर के लगभग 7,000 कारीगरों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ चढ़कर देखने को मिली है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कारीगरों से वैश्विक चुनौती का सामना करने के लिए आधुनिक मशीनों से गुणवत्तापूर्ण काम की अपील की। रांची के खेल गांव में सूबे के चुने हुए 7,000 कारीगरों की पंचायत हुई। झारखंड खादी बोर्ड की पहल से हुए कारीगर सम्मेलन का उद्देश्य कारीगरों को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था। खादी बोर्ड की इस पहल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ऐलान किया कि कारीगरों के उत्पादों के लिए ग्रामीण हाट, नगरीय हाट और पर्यटन स्थलों पर हाट की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ आकर्षक आउटलेट होंगे, जिससे कारीगरों को उनके उत्पाद की उचित कीमत मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने रांची के HEC में 3 एकड़ जमीन पर खादी मॉल बनाने की भी घोषणा की, जिसका शिलान्यास 15 अगस्त से पहले होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि PM मोदी शोषित वंचित के लिए वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, बल्कि उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलने का काम अगर पहली बार देश में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री जी ने किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खादी बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर 2 साल पूरे करने पर संजय सेठ को बधाई दी। मुख्यमंत्री के मुताबिक खादी बोर्ड की कोशिशें झारखंड के आर्थिक विकास को बढ़ाने में सहायक होगी। उन्होंने खादी बोर्ड के बजट को बढ़ाने का भी भरोसा दिया। ये खादी ग्राम बोर्ड द्वारा राज्य के आर्थिक विकास दर बनाने में एक फायदेमंद दौर की शुरुआत आज हो रही है। वहीं झारखंड में मीठी क्रांति को बढ़ावा देने की भी पूरी तैयारी है। सूबे के लिए बी बॉक्स के कोटे को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। यह ऐलान राष्ट्रीय खादी बोर्ड की ओर से किया गया। और यदि आप वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, काफ़ी दिनों से चला रहे हैं और कुछ एक्सपेंशन करना है आपको, तो 10 लाख तक का तो मुद्रा लोन में 50,000 से 10 लाख तक की लोन की राशि दी जा सकती है। रघुवर सरकार लगातार राज्य की बुनियादी विकास और आर्थिक उन्नति के लिए कोशिश कर रही है। सरकार की कोशिश है कि समाज का कोई तबका विकास से वंचित ना रहे, हर किसी को अपने काम के लिए उचित प्रोत्साहन और उचित कीमत मिले, ताकि आर्थिक विकास की राह पर सभी मिलजुल कर आगे बढ़ सके। चंदन जी मीडिया रांची। रघुवर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को धरातल पर उतारने की तैयारी में है। 2 जुलाई को झारखंड में पहली बार नदी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सूबे की 24 नदियों के किनारे वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत होगी। CM रघुवर दास इस अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। रांची के नामकुम के स्वर्ण रेखा तट से CM इस अभियान का आगाज करेंगे। इस अभियान के तहत 2.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसमें नदी के किनारे ही लगभग 9 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो कल से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। पहली बार सूबे में इस तरह का आयोजन होने जा रहा है। 24 नदियों के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा। जुलाई महीने में झारखंड सरकार के वन विभाग के द्वारा टोटल 2.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसमें इस बार का हाईलाइट यह है कि 9 लाख पौधे एक दिन में नदी के किनारे लगाए जाएंगे। 24 डिस्ट्रिक्ट्स 24 रिवर्स, ये हम लोगों ने नारा दिया है, जैसा हमारे ऑनरेबल CM का सोच है, उनका सपना है कि हम लोग रिवर से जल जंगल जमीन को जोड़ें। उधर भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के खिलाफ झारखंड में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। विपक्षी दल अब सड़कों पर इसे लेकर विरोध करेंगे। बिल के खिलाफ 5 जुलाई को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। बंद की रणनीति तैयार करने के लिए रांची में विपक्षी दलों के जिला और महानगर स्तर के नेताओं की अहम बैठक हुई है। भूमि अधिग्रहण बिल पर आर पार, संशोधन पर विपक्ष करेगा संग्राम। भूमि अधिग्रहण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद झारखंड में एक बार फिर से सियासत उफान पर है। विपक्ष इसके विरोध में एकजुट है।
बयानों के जरिए हमले करने के बाद अब विरोधियों ने सड़क पर संग्राम की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। इसी कड़ी में रविवार को विपक्षी दलों की रांची में बैठक हुई। इसमें बिल में संशोधन के खिलाफ 5 जुलाई को विपक्ष के झारखंड बंद को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। तो मोटा मोटी बंद को सफल कैसे बनावे, मसाल जुलूस को कैसे सफल बनावे, इन्हीं विषय को लेकर आज ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई जिसमें सारे दल के प्रमुख लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। कैसे मसाल जुलूस निकाल करके हम बंदी को सफल बनाएं, बंदी के सफलता को लेकर के आज हम लोग की ये आहूत बैठक की गई। झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी भी कर ली। 4 जुलाई को शाम में मसाल जुलूस निकालने के साथ रात 12 बजे से 5 जुलाई को रात 12 बजे तक बंदी का फैसला लिया गया। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। आगे बढ़ेंगे। खूंटी में पुलिस प्रशासन और पत्थलगड़ी समर्थकों में तनातनी कम नहीं हो रही है। पत्थलगड़ी समर्थकों ने आज फिर पत्थलगड़ी की चुनौती दी तो पुलिस की मुस्तैदी से पत्थलगड़ी समर्थकों को बैकफुट पर जाना पड़ा। पुलिस ने 3 गांव में पत्थलगड़ी की कोशिश को नाकाम कर दिया और इसके साथ ही ग्राम सभा के पत्थलगड़ी के जवाब में जिला प्रशासन ने भी अब पत्थलगड़ी के ही जरिए जवाब देने का फैसला लिया है। पत्थलगड़ी पर प्रचंड प्रहार, पुलिस ने मंसूबे को किया नाकाम। पत्थलगड़ी, गैंगरेप, जवानों का अपहरण जैसी घटनाओं ने खूंटी में माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना रखा है। पुलिस प्रशासन और पत्थलगड़ी समर्थकों के बीच दिखाई न देने वाली जंग लगातार जारी है, लेकिन पहली बार पुलिस के मुस्तैदी के कारण पत्थलगड़ी समर्थकों को बैकफुट पर आना पड़ा। पत्थलगड़ी समर्थकों ने सेनेगुट, पतराहतू और सपारोम गांव में पत्थलगड़ी करने का ऐलान किया था। सूचना पुलिस के पास थी, लिहाजा इस बार पुलिस ने लोगों को कोई मौका नहीं दिया और उनकी तैयारियों पर पानी फेर दिया। गांव में आप नहीं रहते हैं? हाँ तो रहते हैं, तो आना जाना करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कुछ प्रोग्राम भी था आज? नहीं, ग्रामीण पोस्टमैन। कहाँ का ग्रामीण पोस्टमैन? सरकारी है, सरकारी पोस्टमैन। पहली बार पुलिस ने पत्थलगड़ी के मास्टरमाइंड और उसके समर्थकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन पुलिस का असली लक्ष्य मास्टरमाइंड और उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार करना है। छापामारी अभियान चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा जब तक लोगों को, वैसे जो नामजद हैं इस कार्यक्रम में, लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उसी लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और छापामारी लगातार चल रहा है और गिरफ्तारी होगी। पत्थलगड़ी को पत्थलगड़ी से चुनौती, ग्राम सभा को अब प्रशासन देगा जवाब। पत्थलगड़ी कर भारतीय संविधान की गलत व्याख्या कर ग्रामीणों को भड़काने की कोशिश जारी है, लिहाजा अब ग्राम सभा के पत्थलगड़ी के जवाब में जिला प्रशासन ने भी पत्थलगड़ी करने का फैसला किया है। प्रशासन पत्थलगड़ी कर गलत तथ्यों की जगह लोगों को सही जानकारी देगी। हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ग्राम प्रधान के साथ बैठक कर रहे हैं, गांव के जो पाहन है उनके साथ बैठक कर रहे हैं, पढ़ा राजा लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन की इस दो तरफा कार्रवाई से खूंटी में जल्द अमन चैन कायम हो सकेगा और सभी के सहयोग से इलाके के विकास को आगे बढ़ाया जा सकेगा। सोनू अंसारी, जी मीडिया, खूंटी। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं दरिंदे का कबूलनामा। आज के जमाने में रिश्तों की मर्यादा करीब करीब खत्म सी हो गई है। ताजा मामला पाकुड़ में सामने आया है जहां भतीजे ने अपनी ही सगी चाची के साथ पहले तो दरिंदगी की और फिर मामले को दबाने के लिए उसकी हत्या कर दी। पाकुड़ में रिश्तों का कत्ल, कलयुगी भतीजे की दरिंदगी। पुलिस की हथकड़ी में जकड़े इस दरिंदे ने रिश्तों का कत्ल किया है। पूरा मामला जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। सहमा देने वाली इस वारदात का एक एक पहलू आपको समझाते हैं। दरअसल इस वहशी भेड़िये ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पहले तो अपनी ही चाची को हवस का शिकार बनाया। चाची ने उसकी ये करतूत सभी को बताने की बात कही तो इस भेड़िये ने गला घोंट कर उसका कत्ल कर दिया। बाजार में भेड़ हो गया, मरीज थे दुकान में,
चाची को साइकिल में बैठा के ले गए। भगवत का एक दुकान था, वहीं पर ही भी था, वहाँ से ये लोग आगे आगे बढ़ा, हम मुनि भी उन्हें लेके पीछे पीछे इसका पीछे पीछे हम गए उधर। मैंने कि नहीं करने देता था होगा, हम गए वहाँ से तो बोलता है कि बोल देंगे क्या करेंगे गाँव में विचार करवाएंगे। उसके बाद उस तरह बोला तो नटिया दबा दिया, दोनों आदमी मिल गई। उसके बाद नटिया दबा के सब मर गया। तो मर के बाद हम लोग उठा के ले गए और गाज के उधर वहाँ पर टांग दिए। सुना आपने, ये कबूलनामा है जिसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिल दहला देने वाली वारदात के बाद ये दरिंदा अपने साथी के साथ मिलकर अपनी चाची के शव को ठिकाने लगाने के लिए गले में फंदा डालकर पेड़ से लटका देता है। पुलिस ने इसकी तफ्तीश की तो पूरा माजरा परत दर परत खुलता गया और जब सच सबके सामने आया तो सबके होश फाख्ता हो गए। वो दोनों नशे में थे, ये लोग सब हटिया आए थे और हटिया के बाद इसको बाला फुसला कर उसको ले गए वहाँ पे घटनास्थल के आसपास, वहाँ पे उसको बलात्कार किए और उसके बाद जब उस महिला के द्वारा विरोध किया गया तो दोनों ने मिलकर उसका गला दबाकर जान मार दिया और फिर बाद में उस सबको पेड़ से लटका दिया गया। जानकारी के मुताबिक इस कलयुगी भतीजे और उसके साथी ने इस वारदात को नशे की हालत में अंजाम दिया, लेकिन इस वारदात के बाद रिश्तों और इंसानियत से भरोसा उठना लाजमी है। पाकुड़ से सोहन प्रमाणिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गढ़वा की बात कर लेते हैं जहां बिसुनपुरा प्रखंड में ग्रामीण नक्सलियों के हलचल से बेहद दहशत में है। दरअसल बिसुनपुरा के अपर बाजार में नकाबपोश वर्दीधारी हथियार से लैस नक्सलियों ने पंचमी वस्त्रालय की रेकी की है। इस दौरान हथियार से लैस नक्सली ने पंचमी वस्त्रालय के स्टाफ से वस्त्रालय के मालिक के बारे में पूछताछ भी की और बड़े ही आराम से चलते बने, लेकिन नक्सलियों के हलचल से पूरे बाजार में खौफ का माहौल है। लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। पंचमी वस्त्रालय के मालिक ने फौरन नक्सलियों के होने की खबर पुलिस को दी, लेकिन लाख खोजबीन के बाद भी पुलिस को नक्सलियों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो नक्सली दो बोलेरो गाड़ी में हथियार के साथ घूम रहे हैं। पुलिस ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी है। जनता के द्वारा जो बताया गया था हम लोग चारों तरफ देखे, इसके बाद जो है से सूचना पर कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही इसका जो है से खुलासा होगा। अपना हथियार लेकर आए तो इसके बाद उसके बाद क्या बोलते हैं कि उन लोग पूछा कि मालिक है तो मालिक बोला नहीं है, इस बाद हम लोग चले गए। इसके चलते थोड़ा सा हम लोग असमंजस में है। पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस सूचना। अब एक अच्छी खबर है, राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में अब सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर हो गई है। आज से इस अस्पताल में सुरक्षा की कमान सैप जवानों को सौंप दी गई है। प्रदेश के डीजीपी ने आज सैप जवानों के बैरक का फीता काटकर उद्घाटन किया। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था अब और दुरुस्त हो गई है। प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा व्यवस्था से हटाकर अब सुरक्षा का जिम्मा सैप जवानों को सौंप दिया गया है। फिलहाल 25 जवान रिम्स की सुरक्षा की कमान संभालेंगे। रिम्स प्रबंधन ने इसके लिए सरकार का आभार जताया और सैप जवानों को अपना परिवार बताया। जो सुरक्षा प्रणाली है सरकार द्वारा दी गई 25 लोगों की हमें उपलब्ध कराई गई है और ये एक बड़ा ही अच्छा कदम है रिम्स के सुरक्षा को सुदृढ़ करने का। रिम्स में इन जवानों के लिए बैरक भी बनाया गया है। ये बैरक डेंटल कॉलेज के निचले तल्ले पर स्थित है। डीजीपी डीके पांडे ने फीता काटकर इस बैरक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फिलहाल ये शुरुआत छोटे स्तर पर की जा रही है, अगर ये सफल हुआ तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा, साथ ही और जवानों की नियुक्ति की जाएगी। दरअसल रिम्स की सुरक्षा में लगी निजी सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों को लेकर मारपीट की अक्सर शिकायतें आया करती थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रिम्स की सुरक्षा का जिम्मा सैप जवानों को सौंपने का फैसला किया था।
अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। चलिए बात करते हैं झारखंड की गोल्डन गर्ल की। देश का सीना फक्र से चौड़ा करने वाली झारखंड की बेटी सपना घर लौट आई हैं। सपना ने कोलंबो में साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल जीता था। वापस लौटने पर टाटा स्टील प्रबंधक ने भी सपना को सम्मानित किया। ये है सपना, देश की गोल्डन बेटी सपना। सपना ने अपने सपनों के उड़ान के लिए कुछ ऐसे पंख फैलाए कि पूरा देश आज उस पर नाज कर रहा है। बता दें, ये वही बेटी है जिसने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 में देश को सोना दिलाया। 14.19 सेकंड में दौड़ पूरी कर 100 मीटर हर्डल रेस में रिकॉर्ड कायम किया। इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट बच्ची है वेस्ट बंगाल की या झारखंड की जो कि स्वर्ण पदक किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। देश का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली झारखंड की बेटी सपना को टाटा स्टील प्रबंधक ने सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है और ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। ये हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है कि हमारे सेक्टर से निकली ये एथलीट आज देश का नाम रोशन कर रही है। देश के इस होनहार बेटी ने जी बिहार झारखंड से बात करते हुए कहा कि मैं देश के लिए ऐसे ही कोशिशें आगे भी करती रहूंगी और मेरी हर जीत देश की जीत है और हर मेडल देश के लिए है। अभी मुझे जापान जाना है, मैं कल जापान के लिए निकल रही हूँ और उधर मैं पटियाला मेरा कैंप है, उसके बाद मैं जापान के लिए निकलूंगी और वहाँ भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं बेस्ट ऑफ थर्ड तक रहूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी कोई भी मेडल में वहाँ से लेके आऊँ। मैं बहुत कोशिश करूंगी, पूरा कोशिश करूंगी कि मैं इंडिया का नाम फिर से रोशन करूँ और अपना तिरंगा वहाँ फिर से लहरा के आऊँ। 12 जुलाई को देश की बेटी को फिनलैंड जाना, जहां एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों से उसका मुकाबला होगा। इसके लिए सपना सुबह से लेकर शाम तक मैदान में पसीना बहा रही हैं। रामगढ़ से झूलन अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी उन्नत झारखंड के, दिखाएंगे आपको कैसे महानगरों की तर्ज पर बनेगा जसीडीह जंक्शन।